4096। तो एसोसिएटिव मैपिंग क्या कहती है, हमें उस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को जो कि 12 और 4 बिट का था, हमने यहाँ शो किया था, उसको कैम वर्ड में यूज करना है। सो कैम वर्ड इज व्हाट, वी हैव अ टैग फील्ड एंड अ कैश फ्रेम। कैश फ्रेम का साइज है 2:7। कैश फ्रेम का साइज है 2:7, इट मींस टोटल 128 ब्लॉक्स। एंड यहां पर हमारे पास जो टैग फील्ड है, उस टैग फील्ड को अगर हम कंपेयर करें तो वो 2:12 थी, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेज एड्रेस एंड द कैश एड्रेस। कैश एड्रेस कितना था, 2:7, टोटल 128 फील्ड्स, और यहाँ थे 0 से लेके 4095 पेज नंबर्स। सो पेज नंबर को हमने यहाँ टैग फील्ड डिनोट किया है, पेज और टैग एक ही बात है, और कैश फ्रेम में हमने डिनोट किया है कि टोटल कितने कैश फ्रेम थे हमारे पास। तो टोटल वी हैव 128 कैश फ्रेम्स। नाउ ये जो वर्ड था हमारे पास 4 बिट का ऑफसेट, इस ऑफसेट को हम यहाँ पर एज इट इज यूज कर रहे हैं, और यहां से हम कहते हैं कि ये इससे वो कनेक्ट कर दिया, और यहाँ कैश फ्रेम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये चूज कर लेंगे कि किस फील्ड से कौन सा कैश फ्रेम एसोसिएटेड है, जिस टैग फील्ड से। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 से जो इसका कैश फील्ड एसोसिएटेड होगी वो हम यहाँ पर एज इट इज यूज करेंगे और इसे शो कर देंगे। टैग नंबर तो हमारा, टैग नंबर के अकॉर्डिंग फ्रेम नंबर डिसाइड करेंगे, और फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी मैपिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे कैश से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि हर एक कैश मेमोरी लोकेशन के लिए हमें कैम वर्ड चाहिएगा। सो कैम वर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी हैव अ टैग फील्ड यानी पेज नंबर एंड कैश फ्रेम। कैश फ्रेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 0 से लेके 127 तक, तो जो भी यहाँ पर मेन मेमोरी के अंदर था वो ट्रांसफर हो जाएगा कैश मेमोरी के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैम वर्ड है ये बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि हम एक सर्किट यूज कर रहे हैं, एक स्पेशल सर्किट यूज कर रहे हैं इन बिटवीन मेमोरी एंड कैश मेमोरी। मेन मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच में ये जो कैम वर्ड यूज हुआ है ये एक कॉस्टली अफेयर्स है, यानी कि हम कॉस्टली डिवाइस यूज कर रहे हैं। 19 बिट्स का मतलब हमें बहुत सारे रजिस्टर्स यूज करने पड़ेंगे। 19 बिट्स को यूज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी अगर हम उस कैश मेमोरी को यूज करना चाहते हैं। तो एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट इज इंक्रीज, लेकिन इसकी एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि हम किसी भी पेज को किसी भी फ्रेम लोकेशन पर लगा सकते हैं, कि यहाँ पर हमारे पास ये 0 पेज था, ये किसी भी लोकेशन पर आ सकता था, 1 किसी भी लोकेशन पर आ सकता था, ऐसे ही 4095 किसी भी लोकेशन पर आ सकता था। सो एनी पेज कैन बी लोडेड इन द कैश मेमोरी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग, कि हमने एसोसिएट कर दिया। पर दोनों ही के अंदर एक एक डिसएडवांटेज थी, डायरेक्ट मैपिंग के अंदर भी एक डिसएडवांटेज थी और एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर भी एक डिसएडवांटेज है। यहाँ डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वहां डिसएडवांटेज ये थी कि हम टोटल जो 31 टैग नंबर थे वही चूज कर सकते थे, यानी किसी भी पेज को किसी दूसरी लोकेशन पर कैश मेमोरी में लोड नहीं किया जा सकता, सिर्फ जो लोकेशन दी गई है उसी लोकेशन पर उसको हम यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा टैग यूज नहीं कर सकते। यानी जैसे 0 टैग अगर हम यूज कर चुके हैं तो 0 टैग पर जो लोकेशन थी हमारी पेज नंबर की, सिर्फ उसी में से किसी एक को हम चूज करके लोड कर सकते हैं। तो फ्रीडम नहीं थी वहां पर, और यहाँ पर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो दोनों का एक जो मिडिल वे है वो है थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज अ सेट एसोसिएटिव मेमोरी। व्हाट इट इज शोइंग दैट, सेट एसोसिएटिव मैपिंग कहता है, डायग्राम अभी भी वही है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चूज करने की कोशिश करते हैं इन दोनों के बीच का एक रास्ता जो कॉस्टली भी ना हो और मेमोरी को कहीं भी किसी भी लोकेशन पर सेंड करने की एक फ्रीडम दे हमें। तो इसमें हम के वे मैपिंग होती है, ये के वे का मतलब है के को रिप्लेस कर सकते हैं इधर 2 और 4, यानी 2-वे सेट एसोसिएटिव हो सकता है या 4-वे सेट एसोसिएटिव हो सकता है। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है 2-वे सेट एसोसिएटिव का। 2-वे का मतलब क्या होगा ये समझने की कोशिश करना,
टू वे मीन्स देखो हमारे पास यहाँ शो किया हुआ है हमने 7 और 4, 12 और 4, मतलब क्या है इसका कि अब इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये टैग नंबर्स डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोटल जो 12 था इस 12 को हमने डिवाइड किया है 6 और 6 के अंदर। दोबारा मैं बताता हूं, टू वे सेट एसोसिएटिव का मतलब है टोटल पहले हमारे पास 128 सेट बने थे, अभी हम कितने सेट बनाएंगे 128 को 2 से डिवाइड कर देंगे। हर एक के अंदर 128 थे हमारे एक ब्लॉक के अंदर, इस 128 को 2 से डिवाइड किया, टोटल हमारे पास 64 ब्लॉक्स आ जाते हैं। टोटल 64 ब्लॉक्स का मतलब है 6 बिट, यानी हम ये कह सकते हैं कि 64 तो हमारे पास है टैग नंबर शो करने के लिए और 64 ही है हमारे पास सेट नंबर शो करने के लिए। तो वी हैव अ टैग नंबर एंड अ सेट नंबर ईच हैविंग 6 बिट्स एंड 6 बिट्स। टोटल 12 बिट्स ईच हैविंग 6 बिट्स एंड 6 बिट्स। तो 6 बिट्स का तो हमारे पास सेट नंबर आ गया और 6 बिट का हमारे पास टैग नंबर आ गया। 6 बिट का मतलब फ्रॉम 0 to 63, टोटल 64 लोकेशंस, एंड इधर भी टोटल 0 से 63, टोटल 64 लोकेशंस। सो हियर वी हैव 6 बिट ऑफ टैग नंबर एंड 6 बिट ऑफ सेट नंबर। अब कैसे हम एड्रेसिंग करेंगे, अब टोटल 63 है तो 0 से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो एक लाइन के अंदर यानी एक कॉलम के अंदर टोटल 63 हम शो कर सकते हैं उन मेमोरी एड्रेसेस को या पेज नंबर को। 0 से 63 एक कॉलम में, फिर देन 64, देन इस तरह से हम टोटल ये 63 टैग नंबर्स के अंदर हम क्या करेंगे 4096 लोकेशंस को शो कर देंगे। कितना क्लियर है यहां पर अभी तक, हमने डिवाइड किया है, टू वे की बात कर रहे हैं, अगर हम फोर वे की बात करते हैं, सो 128 विल बी डिवाइडेड इनटू 4, 4 से डिवाइड करते तो वैल्यू हो जाती यहां पर 32, कितनी वैल्यू हो जाती 32 का मतलब ये होता कि हमारे पास अब 32 को अगर सेट नंबर पर रिप्रेजेंट करें तो 32 मींस 2 रिज़ टू पावर 5, यहां वैल्यू होती 5 और यहां वैल्यू होती 7। 2 रिज़ टू पावर 7 का मतलब होता अगर टैग नंबर हम काउंट कर रहे हैं 0 से 63 तो वहां टैग काउंट होते 0 से लेके 127, नीचे की तरफ बता रहा हूं मैं आपको, और ऊपर की तरफ ये जो काउंट होते 0 से 63 की बजाय यहां काउंट होता 0 से 31 सेट नंबर के लिए। सो इट इज क्लियर बिटवीन 2 एंड 4। होप इट इज क्लियर। टू वे के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे 128 को, फोर वे के अंदर 4 से डिवाइड करेंगे 128 को। 2 से डिवाइड किया तो 64 सेट्स बने, 64 मींस वी हैव 6 बिट्स एंड 6 बिट्स। ठीक है, अब हम किसी मेमोरी लोकेशन को रीड करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो हम ये 4033 लोकेशन है, इसको हम प्लेस करना चाहते हैं, तो इसको हम कहां प्लेस कर सकते हैं। तो अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे 4096 टोटल थे हमारे पास एड्रेस और हमारे पास 63 हमारे पास या 64 हमारे पास टैग नंबर हैं, तो अगर हम ये सेट के अकॉर्डिंग इसको डिनोट करें तो 4096 लोकेशंस हैं, इनको 64 के अंदर रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो वो 64 के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 रिज़ टू पावर 12 डिवाइड बाई 2 रिज़ टू पावर 6, ये मैंने पावर में ले लिया है। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 रिज़ टू पावर 6, यानी टोटल वैल्यूज होंगी 64 सेट्स। यहां 64 सेट्स हम निकाल चुके हैं और 64 ही हमारे पास टैग नंबर निकल गए हैं। तो टैग नंबर अगर 64 निकल गए तो हमारे पास अब क्या करना है, ये जो पहले कैश मेमोरी थी 0 से लेके 127 तक, अब हम इसका एक पेयर बना देंगे क्योंकि मैक्सिमम लोकेशन अब हमारे पास यहाँ 64 ही हो सकती है। 64 मींस हमें इसको हाफ करना है, यानी 2 2 का पेयर बना देंगे, 0 और 1 के लिए एक हमारे पास सेट नंबर है
टू और थ्री के लिए एक सेट नंबर है, इसी तरह से 126 और 7 के लिए एक सेट नंबर है। तो 0 से 63 सेट नंबर हमने यहाँ बनाए, वी हैव टोटल 64 सेट नंबर्स। एंड हाउ वी आर यूजिंग दीज सेट नंबर्स, एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है। सपोज करो हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है 4033, हम इसे पुट करना चाहते हैं कैश मेमोरी के अंदर, तो किस लोकेशन पर हम पुट करेंगे। 4033 के अगेंस्ट में आप देखो सेट नंबर और जो टैग नंबर है वो क्या है। अगर हमें इसके कोरेस्पोंडिंग नीचे देखूं तो लिखा हुआ है 63, और कोरेस्पोंडिंग देखूं लेफ्ट साइड में तो लिखा हुआ है 1, यानी कि फर्स्ट सेट के अंदर 63 हमारा ये टैग नंबर था, ये रैम के अंदर। तो अगर 63 रैम के अंदर था तो ये हमारा कैश मेमोरी के अंदर जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। कहां हम इसको शो करेंगे, कैसे हम ये निकाल सकते हैं कि ये 63 और 1 सही है इसके अगेंस्ट में, तो चेक करो इसको आप 4033, इसको डिवाइड करो आप 64 सेट से, तो 64 से आप इसको डिवाइड करके देखो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1 और जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 63। तो ये जो क्वेश्चन है हमें ये डिवाइड का, ये हमें शो करता है टैग नंबर को कि 63rd टैग के अंदर अगर हम फर्स्ट सेट को देखें, फर्स्ट सेट नंबर को देखें तो ये इसकी लोकेशन है। इस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कहां रख देंगे, फर्स्ट सेट के अंदर रख देंगे। यहां हम चेक करते हैं फर्स्ट सेट कौन सा है हमारा, तो फर्स्ट सेट के अंदर हम देखते हैं हमारे पास दो लोकेशन है कैश मेमोरी के अंदर, सेकेंड और थर्ड। तो किसी एक लोकेशन पर हम इसको रख सकते हैं इनमें से। सो वी हैव अ चॉइस कि हम किसी एक और लोकेशन को भी यहाँ फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी ये जितनी फील्ड्स हैं इन फील्ड में से कोई एक फील्ड और चूज कर सकते हैं हम इसको ऑक्यूपाई करने के लिए, लेकिन एक से ज्यादा फील्ड हम ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से वन बाय वन आप क्या करोगे कैश मेमोरी के अंदर इनको यूज करने लग जाओगे। अब यहां पर अगर हम कैम वर्ड की बात करें कि टोटल कैम वर्ड का साइज क्या होगा, तो वो एज कंपेयर टू एसोसिएटिव मेमोरी कम बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास 6 फील्ड जो 6 टैग बिट है इसी से डिफाइन हो जाएगा कि कितना हमारे पास कैम वर्ड बनने वाला है। सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट रीड और मस्ट लिसन मस्ट वॉच दोज 3 वीडियोस विच आई एम शोइंग। ये उसी से मैंने पढ़ा है और उसी से आपको पढ़ना है और बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता, आज ही आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली पूछना, अदरवाइज कल जो हम एक सेशन रखेंगे, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन बढ़ गया है, तो कल जो हम सेशन रखेंगे उस सेशन में पहले आपकी उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि जो आपको नहीं समझ में आया। So you must watch those 3 videos, direct mapping, associative mapping and set associative mapping. अभी 1.5 मिनट है हमारा ये सेशन एक्सपायर होने में। इस सेशन के बाद हम आगे पढ़ेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, कि हम एल्गोरिथम्स को कैसे रिप्लेस करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू और लीस्ट रिसेंटली के यूज, क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं लिस्ट रिसेंटली यूज्ड ही यूज करते हैं रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। तो कैसे हम ये रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सीपीयू के कॉन्टेक्स्ट में और कैश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। सो ये कैसे यूज हो रही है ये दोनों पढ़ेंगे, और इसके बाद जो दूसरी चीज होगी इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए वो होगी हमारे पास ये कैश हिट और कैश मिस वाला, कि हम कैसे ये शो कराएंगे कि मेमोरी राइट पॉलिसीज क्या कहती है, राइट थ्रू क्या कहता है और राइट बैक क्या कहता है, और कैसे हम राइट थ्रू के अकॉर्डिंग काम करते हैं और कैसे हम राइट बैक के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज टू कॉन्सेप्ट इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट एंड वी विल ज्वाइन अगेन वेरी सून।